जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा यूपीएससी डिफेंस प्रेप पर। आज हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ एनालिसिस सीएपीएफ प्रीवियस ईयर्स का। आगे बढ़ते हैं, पहला स्लाइड है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़कर जाएंगे। यहां पर जो मैं आपको इस चार्ट में टेक अवे बताने वाला हूं वो ये है, इकोनॉमी 2018 में 4 क्वेश्चन और 2020 में इट इज 14 क्वेश्चन, ठीक है, यू कैन नॉट स्किप। और अगले साल 2021 में 12 क्वेश्चन, तो 4 भी आ सकते हैं, 14 भी आ सकते हैं। सिमिलरली एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे 9 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन, ठीक है, 5 और 3, तो ये वेरिएशन काफी ज्यादा है। इट इज नॉट फिक्स कि आपका किस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको सारे टॉपिक पढ़ के जाने चाहिए, उसका इजी एंड मॉडरेट लेवल आपको तैयार होना चाहिए। देयर आर टफ क्वेश्चंस यू कैन स्किप बट नॉट द इजी एंड मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। आप ये नहीं कह सकते कि सिलेक्टिवली मैं ये पढ़ के जाऊंगा और मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। मैं उसका भी लॉजिक आपको समझाऊंगा कि क्यों ये कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और किन पर आपको फोकस करना चाहिए। यहां पर ओवरऑल हिस्ट्री में भी देख सकते हैं 35 क्वेश्चन और लाइक 19 क्वेश्चन, तो 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछ लिए और इस साल अगर मैं आपको दिखाऊंगा कट ऑफ भी कम है, ठीक है, तो 35 टू 19 क्वेश्चन का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। सिमिलरली करंट अफेयर्स, ठीक है, तो करंट अफेयर्स में यहां पर वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, यह है आपका सीएपीएफ का 2020 का कट ऑफ। यहां पर आप कट ऑफ को देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ है पेपर वन में जो कि है 250 मार्क्स का, 125 क्वेश्चन रहते हैं 2 मार्क्स के, और ये हो गया आपका लगभग, मतलब 125 में आपके नेट 59 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है। उसके बाद आपका पेपर वन और पेपर टू की कंबाइंड कट ऑफ, पेपर टू होता है आपका डिस्क्रिप्टिव 200 नंबर का, तो यहां पर आप देख सकते हैं 205 नंबर, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 88 मार्क्स चाहिए, ठीक है। अगर आप मान लीजिए बिल्कुल बेयर मिनिमम कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं पेपर वन में, तो पेपर टू में आपको 88 मार्क्स चाहिए। ऑब्वियसली यू हैव टू स्कोर, और उसके बाद अगर आप जस्ट बेयर मिनिमम कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि इंटरव्यू है आपका 150 मार्क्स का और इंटरव्यू में आपको 120 मार्क्स लेने पड़ेंगे, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है, 80% मार्क्स यूपीएससी इंटरव्यू में मिलना बहुत डिफिकल्ट है, तो यहां पर तब भी आप बिल्कुल बेयर मिनिमम कट ऑफ पर होंगे, ठीक है। आपका जो रैंक अगर आप चाहते हैं कि टॉप 10 में आए या टॉप 50 में आए, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। तो यहां पर टेक अवे ये है कि आपको पेपर वन, पेपर टू और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, और पेपर वन में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल छोड़े नहीं जा सकते, वो भी बताऊंगा आगे। चलिए, रिस्पेक्टिव कैटेगरीज को भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी, सो फाइनल कट ऑफ आप देख सकते हैं, तो यहां पर जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं मिल रहा है, देन यू हैव द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज जिसमें आपको वेरिएशन मिल रहा है। आगे चलते हैं, 2019 का कट ऑफ लगभग उसी लेवल पे था, देखो 117 और यहां पर भी 117, ठीक है, यहां पर कट ऑफ, सॉरी, यहां पर कट ऑफ 205, यहां पर आपको 201 मिल रहा है, यहां पर कट ऑफ 318 और यहां पर 325, तो कह सकते हैं कि यहां पर आपकी जो कट ऑफ है लगभग उसी रेंज में चल रही है। बट यहां पर कट ऑफ देखिए, 2018 मैंने आपको दिखाया हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे गए थे, ठीक है, और एंशियंट हिस्ट्री काफी ज्यादा पूछ ली गई, टफ था पेपर, इसीलिए कट ऑफ नीचे गई बिल्कुल ड्रास्टिकली, 117 के लगभग या 117-18 के लगभग से सीधा ड्रॉप करके आ गई 95। अगर मैं इसको मार्क्स के टर्म्स में देखूं तो 22 मार्क्स, दैट इज 11 क्वेश्चंस, कहां आपने 59 क्वेश्चंस पे आपका कट ऑफ हो रहा है, अब आपका 48 क्वेश्चंस में कट ऑफ क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर आप इसमें भी देख सकते हैं 66+5 अराउंड 71 मार्क्स, वहां पर हमने देखा 88 मार्क्स, ठीक है, 88 मार्क्स, तो यहां पर कट ऑफ अगेन पेपर टू के लिए भी कम, और यहां पर ओवरऑल कट ऑफ गया था 325, 25 और 17, 18 लगभग आपका हो गया
43 मार्क्स का डिफरेंस, तो इतना वेरिएशन हो सकता है। यहां पर टेक अवे ये है आपके लिए कि प्लीज कट ऑफ पर बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिए। अगर पेपर टफ आएगा, सबके लिए टफ होगा, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी। आपका जो फोकस होना चाहिए कि आपको सारे के सारे टॉपिक पढ़ के जाने हैं और उसका इजी टू मॉडरेट लेवल पढ़ना है। नेक्स्ट यहां पर कट ऑफ देख लेते हैं। देखिए यहां पर कट ऑफ आपका 123 लगभग, अब कट ऑफ थोड़ी ऊपर भी चली गई, ठीक है, 2017 में 123, सीधा ड्रास्टिकली 2018 में 95 कट ऑफ। यहां पर आप देख सकते हैं 206 और यहां पर 316 आपकी कट ऑफ है। तो यहां पर देख सकते हैं पेपर वन सॉरी पेपर टू में जो कट ऑफ, और ये हो गया आपका 110 मार्क्स मिनिमम आपको, मतलब अगर आप बिल्कुल कट ऑफ पे हैं। तो यहां पर एक आपका एवरेज अच्छा स्कोर माना जाता है 100 to 110 अच्छा स्कोर माना जाता है। तो आपको अगर मान लीजिए आप 100 स्कोर भी लेके चलते हैं यहां पर, तो आपको 216 नंबर लेना है, वो भी कट ऑफ, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, सो दैट इज 350 प्लस। अब यहां पर मैं एक दोबारा से स्लाइड पे आऊंगा, जनरल मेंटल एबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नेट 60 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, तो आपको जनरल मेंटल एबिलिटी के जो 15 क्वेश्चन हैं वो अच्छे करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी 100% रहती है। 15 के 15 क्वेश्चन आप बहुत डूएबल रहते हैं, 15 में से 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर सकते हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। तो ये स्कोर आपका काफी ज्यादा पुश करता है। सो यू कैन नॉट मिस आउट ऑन द जनरल मेंटल एबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो CAPF दे रहे हैं वो CDS का एग्जाम देते हैं, OTA के लिए जो तैयारी करते हैं वो मैथ्स को स्किप करते हैं। सो डोंट स्किप द मैथ्स। और इसके अलावा अगर अगर आप ये सोचते हैं कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाऊंगा सिर्फ, तो यहां पर आप देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो ये आपके साथ हो सकता है। सो ये CDS में भी हुआ है, CDS में भी एक पेपर में एक बार मॉडर्न हिस्ट्री के सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे थे। प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक कि हम बहुत सिलेक्टिव पढ़ के जाएंगे। अब इसकी टेक्निक क्या है कि मतलब पूरा एंशियंट हिस्ट्री डिटेल में पढ़ के जाना है या मेडिवल हिस्ट्री, नहीं जी, आपको यहां पर जो मैं बार बार कह रहा हूं, देखो मान लीजिए आप ज्योग्राफी उठाते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में मैं ये सोचता हूं कि ठीक है लगभग एवरेज 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में से अगर मैं बहुत अच्छी तैयारी करता हूं तो भी 16-17 क्वेश्चंस अच्छा कंफर्टेबली कर सकता हूं। बट उसके बियॉन्ड जाने के लिए जितनी मैं मेहनत करूंगा, उतनी ही मेहनत अगर मैं इकोनॉमी पढ़ने में लगा दूं, ठीक है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि मेरे इकोनॉमी के उतने क्वेश्चन ठीक हो जाए, ठीक है। सिमिलरली जितनी मैं मेहनत मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर मान लो 20 क्वेश्चन भी पूछते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में 13 क्वेश्चन पूछते हैं, अगर मैं 13 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर लेता हूं, तो भी मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे 10 क्वेश्चन भी हो रहे हैं, उतना बाकी जो 3 क्वेश्चन का समय है, जो कि बहुत मुश्किल है, जो 3 क्वेश्चन टफ वाले हैं, उतना समय मैं निकाल कर एंशंट और मेडिवल को दे दूंगा, तो मेरे यहां पर जो क्वेश्चन आए होंगे 6 क्वेश्चन, इनमें से जो लगभग 3-4 क्वेश्चन बहुत ईजी हैं वो कर सकता हूं। तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना है कि आप इन्वेस्टमेंट मतलब आपके समय की, आपकी एनर्जी की, और उससे आपको आउटपुट क्या मिल रहा है। तो हमें ये फोकस करना है कि 125 में से हमारी तैयारी 100 to 110 क्वेश्चंस की बहुत अच्छी कैसे हो सकती है। फॉरगेट अबाउट द 15 क्वेश्चंस, बट वो 15 क्वेश्चन सब सब्जेक्ट्स में से जो हार्ड वाले क्वेश्चंस है वो, इट इज नॉट कि आप पूरा का पूरा टॉपिक जो है छोड़कर जा रहे हैं। तो ये था कट ऑफ का एनालिसिस, कैसा लगा जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए टीम निष्ठा UPSC डिफेंस प्रेप को।